संजय का आया नहीं देखिए, मैं तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत अहम बिल था और वो कानून में बदल गया। ये सीए भारत के लिए कानून नहीं है, ये कानून है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोग वहां के माइनॉरिटी है, और वहां के माइनॉरिटी मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, ये सब धर्म के जितने लोग हैं, धार्मिक उत्पीड़न के कारण अगर भारत में आना चाहते हैं और यहाँ अगर नागरिकता चाहते हैं तो उन लोग को नागरिकता देने का है। ये तो मैं देखा हूं, जब सीए का जब बिल आया पार्लियामेंट में तो ये तृणमूल कांग्रेस के आधा से अधिक सांसद बाहर में था, पार्लियामेंट में हिस्सा ही नहीं लिया और वोटिंग में भी नहीं था, और बाहर आके पूरे बंगाल को जलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन को जला दिया, हिंदू मंदिरों को फूंक दिया, भाजपा के पार्टी ऑफिस को फूंक दिया। लेकिन हम लोग पूरा तैयार है, भारत सरकार जो ठान लिया, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और आज पुरलियावासी की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं, गर्व महसूस हो रहा है उसमें, हम लोग भी वोट किए हैं, हम भी वोट किए हैं सीए लागू करने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर इस चुनाव में क्या असर प्रभाव पड़ेगा असम, पश्चिम बंगाल पर? भाई सारे लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, जोरदार असर पड़ेगा, आशीर्वाद कर रहे हैं भारत के जनता और बाहर के भी जो अल्पसंख्यक है, सब कोई आशीर्वाद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जरूर असर पड़ेगा, इसमें 10% से अधिक वोट ज्यादा बढ़ जाएगा।